Assalamualaikum प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें कभी भी पाकिस्तान की झंडियों को ज़मीन पे नहीं गिराना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, चमन to call Mohammad Zaid Kazmi from nursery for a speech. Assalamu alaikum, my name is Zaid Kazmi, respected teacher and my dear friend. Assalamu alaikum, today the topic of my speech is My Country is Beautiful. It has everything, mountains, glaciers and valleys. It has four seasons, alhamdulillah. My country is most beautiful. Its valleys are more beautiful. I am proud to be a Pakistani. I love Pakistan. Pakistan Zindabad! Pakistan Zindabad! Pakistan Zindabad! Pakistan Zindabad! JazakAllah. Today is my green shirt activity. This is my green shirt. This is my green wall. This is I have green gun. I have green car. I have green basket. I have this is my green bag. JazakAllah. My name is Mohammed. This is my 14 August activity. This is my bed, this is my cap, and this is my
जमंग फूलों पर रंगो आप हमसे है हम जमी हर जर्रा आपदा हमसे है जगल्ला वतन मेरे आबाद रहे तू है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे हुआ। मेरा
कश्मीरियों से पूछो, अगर आजादी की कदर पूछनी है तो फिलिस्तीनियों से पूछो। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इस तोहफे की कदर करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर वो काम करेंगे जिससे हमारे मुल्क में तरक्की हो। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंसदान बने या किसी भी जॉब से वाबस्ता हूँ, हमें मेहनत करनी है। मेहनत दिल लगाकर और मेहनत करनी है। ईमानदारी के साथ काम करना होगा ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में रोशन हो। मुझे इतना अच्छा पढ़ना होगा कि मैं बड़ा होकर एक जिम्मेदार शहरी बन सकूं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको हमारा हम से पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वतन इधर देखो, इस वतन का हर जर्रा, हाँ शाम इस जमीन का हर जर्रा ये वतन हमारा है, हमें पास बाईस के ये चमन हमारा है, for 14 August.